देश में बढ़ती महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा, सुना है 30 दिनों में 16 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। लगता है सेंट्रल विस्टा के प्रधान निवास कार्यालय महाविमान व भाजपाई चुनाव के खर्च का बोझ जनता के टैक्स के कंधों पर आ गया है। और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि यह तो शुरू से ही लगा था कि भाजपा बड़े बड़े थोथे वादे करके उनसे मुकर जाने वाली पार्टी है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसते हुए ट्विटर पर लिखा है कि पेट्रोल डीजल एलपीजी दाल सरसों दूध और घी है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, फिर भी कहें सब चंगा सी। सुना है 30 दिनों में 16 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। लगता है सेंट्रल विस्टा के प्रधान निवास कार्यालय महाविमान व भाजपाई चुनाव खर्च का बोझ जनता के टैक्स के कंधों पर ही आ गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता की अपेक्षाओं और अपने ही घोषित निर्णयों का मजाक बनाकर लोकतंत्र की भावनाओं को गहरा आघात किया है। यह तो शुरू से ही लगा था कि भाजपा बड़े बड़े वादे करके मुकर जाने वाली पार्टी है। अपने बड़बोलेपन को भी वह जुमले बता देते हैं। भाजपा सरकार ने जनता के विश्वास को धोखा दिया है और सबके साथ के नारे को भुला दिया है। कोरोना की महामारी के दौर में दिन रात एक करके मरीजों की सेवा में लगे स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के संक्रमण में मृत्यु दर पर मुख्यमंत्री उनके परिवार वालों को आर्थिक मदद देने का ऐलान करते हैं। प्रधानमंत्री जी तो कोरोना संक्रमण में जान गंवाने वालों की याद में कई बार भावुक होते दिखाई दिए हैं, लेकिन हर वादे को धुएं की तरह हवा में उड़ा देने में भाजपा ने बड़ी महारत हासिल कर ली है। भाजपा ना तो कोरोना से लड़ाई में गंभीर है और ना ही कोरोना संक्रमित सेवा कर्मियों की शहादत का सम्मान करती है। उसके नेता तो बस विधानसभा चुनाव लड़ने की रणनीति बनाने में ही जुटे हैं। भाजपा का ना विकास से और ना ही जनहित से कोई संबंध है। लोकतंत्र में जनता को धोखा देने का महापाप करने में भी भाजपा को संकोच नहीं है। उसे बस सत्ता की भूख है और उसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए ट्विटर पर ये ट्वीट किया है।